हेलो फ्रेंड्स, आज हमने बनाए हैं स्टफ कैप्सिकम और आलू ब्रेड टोस्ट। सो जल्दी से देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आज मैं ब्रेड के अंदर लगा रही हूँ प्याज, अदरक, टमाटर की मैंने काट के मसाला बना लिया, उसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दी है। थोड़ा कैप्सिकम डाल दिया इसके अंदर और इसके अंदर मैंने बॉइल्ड टमाटो लिए हैं जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया। इसके अंदर डाल दी, मैंने मसाला अच्छे से बना लिया। इसमें मैंने डाला है नमक, मिर्च, हरी मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च भी डाली है और हल्दी डाली है। बस इसको अच्छे से भून लिया, साथ में शिमला मिर्च छोटी छोटी काट के डाल दी। पोटैटो में डाल देते इसके अंदर, इसके अंदर डाल के मैं अच्छे से इसको भून लेती हूँ। ये मसाला अच्छे से भून जाएगा तो मैं इसको इसके अंदर थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला, थोड़ी सी सॉस और धनिया पाउडर और किचन की मसाला। ये सब डालने के बाद मैं इसको ब्रेड के अंदर डाल के सैंडविच बना दूंगी। और ये ज़्यादा तो मैं पोटैटो में इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो शिमला मिर्च भर के बनानी है। इसके लिए मैंने इसको बनाया था मसाले को, और यही मसाला मैं सैंडविच के अंदर भर दूँगी। बहुत हाँ टेस्टी लगता है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। बस मैं इसको भी भून के आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं इस तरह से पोटैटो अच्छे से भून रही हूँ। अदरक, प्याज, टमाटर काट के मैंने अच्छे से भून लिया, हरी मिर्च डाल के उसमें डाला मैंने कैप्सिकम छोटा छोटा काट के, और बॉयल्ड पोटैटो को मैंने ग्रेट करके डाला, बाकी अच्छे से मैश हो जाए। अब मेरे पास 2 चम्मच सॉस है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँ टमाटो सॉस। वो चम्मच टमाटो सॉस डाल लिए, उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चाट मसाला डाल दिया है, इसको अच्छे से मैश करना मैं भी करती हूँ। आप डालेंगे थोड़ा सा किचन की मसाला डाल देते, और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर, किचन की मसाला, चाट मसाला डाल दिए, 2 चम्मच सॉस डाल दिए, इसको अच्छे से हिला लेंगे। फ्रेंड्स, पोटैटो मेरे फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छे से भुने हैं। इतना भुना है कि आप देखें ये कढ़ाई से अलग हो गए हैं। ये देखो कढ़ाई बिल्कुल साफ हो दिखाई देगी उसको। हाँ, इसको मैं हटाऊंगी तो कढ़ाई एकदम साफ दिखाई देगी नीचे से। देखिए इतना मैंने इसको अच्छे से भून लिया, इन्होंने कढ़ाई छोड़ दी है, कढ़ाई में चिपक नहीं रही। अब उठा के दिखा, देखो अब मैंने इसके अंदर थोड़ा दाना धनिया पत्ता, ये मैंने अच्छे से धो के रख लिए हैं, कोरिएंडर काट के छोटा छोटा, और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। तो गैस कर सकती हूँ बंद। ये हो चुका है पोटैटो, क्रिस्पी पोटैटो का मसाला बन चुका है। इसमें मैंने कैप्सिकम डालना है और प्याज, टमाटर, अदरक डाला और हरी मिर्च डाल दिया। तो मैं स्टार्ट करती हूँ ब्रेड। पहले तो मैं सैंडविच बनाऊंगी, उसके बाद मैं, मेरे पास सैंडविच है, उसके बाद मैं बनाऊंगी कैप्सिकम। इसी मसाले से मैं कैप्सिकम को भर दूंगी तो बहुत टेस्टी बनेगा। मेरा एक मसाले से 2 चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो अब मैं तैयार करती हूँ, मेरे पास है बटर, मैं बटर को सैंडविच के ऊपर लगा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं सैंडविच के ऊपर बटर लगा चुकी हूँ। बटर ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं, घर में है तो लगा लें, अगर घर में नहीं है तो ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। इस तरह से बटर मैंने लगा लिया है, और बटर लगाने से थोड़ा टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है। तो मैं पोटैटो लेती हूँ, इसके अंदर कैप्सिकम भी है क्रिस्पी क्रिस्पी सी, तो ये मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ ब्रेड के अंदर।
इस तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे चार कोने। इस तरह से मैं दूसरे वाले को भी कर लेती हूँ। इसके अंदर धनिया का टेस्ट जो आएगा ना बहुत टेस्टी आएगा, ऊपर से जो धनिया डाला है। हम सोचते हैं ये ब्रेड पकौड़े का टेस्ट आएगा, नो फ्रेंड्स, आप खा के देखें, ब्रेड पकौड़े का टेस्ट नहीं, इसके साथ और भी ज़्यादा इन्हेंस होगा। हम लोग पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं ना, सेम वही टेस्ट आएगा हमें। हम प्योर वेजिटेरियन है इसलिए वो पिज़्ज़ा के जो बीच में डालते हैं ना खींचने वाला, वो नहीं खाते हम। चीज़ तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने दोनों ब्रेड को अच्छे से भर लिया है और एक एक टोस्ट मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। ब्रेड पकौड़े जब हम बनाते हैं तो पोटैटो को बॉईल करके ही डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राई किया है अच्छे से कैप्सिकम डाल के, मसाले डाल के। उसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया आने वाला है फ्रेंड्स। तो इसको हम टोस्टर में बनाएंगे, तो बनाते हैं, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। फ्रेंड्स मेरे पास ब्रेड है, मैं इनको ग्रीस कर लेती हूँ। आप चाहे बटर से कर लें, चाहे आप देसी घी से कर लें, इस तरह से इनको ग्रीस कर लें ऊपर से। बटर को मेल्ट करके भी लगा सकते हैं और देसी घी भी लगा सकते हैं। इसको मैं टोस्टर के अंदर रख देती हूँ इस तरह से, जिसमें मैंने घी लगाया उसको नीचे कर दिया है। तो टोस्टर को मैं ऑन कर देती हूँ। फ्रेंड्स मैंने टोस्टर को ऑन कर दिया है, जैसे ही रेड लाइट होगी हम ब्रेड सैंडविच को बाहर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स जब तक सैंडविच बनते हैं मेरे, तब तक मैं इस मसाले को शिमला मिर्च के अंदर भर लेती हूँ। वैसे तो शिमला मिर्च मैं पहले भी भरवा सिखा चुकी हूँ, आज फिर से देख लीजिए। तो मैं इनको भरती हूँ। इस तरह से सारी शिमला मिर्च को भर लेंगे, स्पून की हेल्प से भर सकते हैं अच्छे से, पूरा ऊपर तक दबा के भर लेंगे। इस तरह से मैं चारों शिमला मिर्च अच्छे से भर लेती हूँ दबा दबा के। ये देखिए फ्रेंड चारों शिमला मिर्च भर चुकी हैं अच्छे से। अब हम इसको कुकर में बनाएंगे। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और नहीं तो आप स्टीम में भी बना सकते हैं। मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैं डालूंगी आधा कप पानी। कुकर ले लिया है मैंने, गैस ऑन कर देती हूँ। गैस ऑन कर दिया और ये लिया मैंने आधा कप पानी। आधा कप पानी कुकर के अंदर डाल देते हैं, तो थोड़ा सा हम डाल देते हैं तेल या घी, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं, सिर्फ दो चम्मच। तो इसको गर्म होने देते हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बस ये इसलिए किया है स्टीम के लिए, ये शिमला मिर्च स्टीम के अंदर बन जाएंगी। बस इसको गर्म करना है, गर्म होने के बाद शिमला मिर्च सीधे सीधे इसके अंदर रख देंगे। पानी गर्म हो गया है, अब इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देती हूँ। इस तरह से उठाएं और सीधी सीधी रख दें, हाथ ना जले, पहले गैस कम कर लेती हूँ।
देखिए मैंने चारों शिमला मिर्च कुकर के अंदर डाल दी है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। डाल दी है और ऊपर से मैं ढक्कन लगा दूंगी, ढक्कन को बंद कर देती हूँ। फ्रेंड एक भी सलानी तक हम सीटी लगा दिए, मैंने एक भी सलानी देंगे और स्टीम भरने के बाद गैस को बंद कर देंगे। फ्रेंड टोस्टर की रेड लाइट हो गई है, अब हम टोस्टर को ऊपर से कर देते हैं बंद। फ्रेंड्स इस तरह से सैंडविच बन चुके हैं, कैप्सिकम पोटैटो सैंडविच क्रिस्पी क्रिस्पी, तो मैं खोल के दिखाती हूँ कैसे। देखो फ्रेंड्स कितने क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, अब इसको बाहर निकालते हैं। ये मैं बाहर निकाल चुकी हूँ फ्रेंड्स, कैप्सिकम पोटैटो क्रिस्पी क्रिस्पी सैंडविच बनाएं और खाएं। खा के मुझे बताएं आपको कैसे लगे इसके ऊपर आप सब। ये कुकर की सीटी बच चुकी है, अच्छे से बन चुकी है, मैं गैस कर देती हूँ बंद, बस इसको स्टीम से ही बनाना है। फिर मैं इसके ऊपर सॉस डालती हूँ। डाल के खाने वो ऊपर डाल के खाने फ्रेंड्स, जिनको साथ लगा के खाने वाले साथ लगा के खाएं। और खा के मुझे बताओ आपको कैसे लगी, आप भी खा के बताना लगे और खा के बताओ मुझे। आओ गरम है गरम लगेगी ना, अभी भी बनाइए क्रिस्पी बनाइए, मैंने कैप्सिकम डाल के। ऐसे ही आप फ्रेंड्स ऐसे ही आप वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, कमेंट करके बताइए, प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें आपके इंतजार रहता है। थैंक यू। आप देख सकते हैं कैप्सिकम अच्छे से बन चुकी है, इसको प्यार से निकाल रहे हैं हम सीधा सीधा। सारे कैप्सिकम को बहुत प्यार से निकाल रहे फ्रेंड्स इस तरह से कढ़ाई के अंदर पड़ते गया। इस तरह से आप भी बनाएं, अपने को भी खिलाएं, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।